ये हालत आज कांग्रेस की है। जहां जहां भी गठबंधन किए थे वो गठबंधन भी कहीं नहीं हो पाए, चाहे महाराष्ट्र की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, वो गठबंधन भी कहीं नहीं चल पा रहे। आज हम सबके सामने है कि आप सबसे मैं एक बात पूछूं, ये जाति पाति का चुनाव नहीं, ये हम सबका चुनाव नहीं, ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। मैं आप लड़ना अपने पड़ोसी से भी पूछ लेना, जो भी हमारे कांग्रेस भाई हो उससे भी दिल पे हाथ करके पूछना, कह मेरे भाई बोलो नहीं चला सकता ना। तो मैं आज आप सब आज कांग्रेस का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ हमारे गांव में शहरों में लोग हैं, अगर वो इस बात के इंतजार में है कि हमसे कोई आगे कह दो दे कि मैं भी मोदी के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आप सबसे एक बात की निवेदन करूं कि आप अड़ोस में पड़ोस में मोहल्ले में एक बार मोदी जी हमसे कहते हैं कि मेरी तरफ से राम राम जाकर कह देना मेरे कार्यकर्ताओं से। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मोदी जी के राम राम को लेकर आप जाकर कह देना कि मोदी जी ने हमको भेजा है, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। अगर आपको अच्छा लगे और देश को वो चला सकते हो तो मोदी को वोट दे देना। अगर आपका दिल गवाही देता हो कि राहुल गांधी चल सकता है तो राहुल को वोट दे देना। मैं आपको वादा कर रहा हूँ 90% लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कोई आदमी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं आज के दिन में। हम सबका प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है। साथियों आज मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी साहब का काम क्या है, अगर मैं टोंक से जाता था माधोपुर से जाता 7-7 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे थे। आज बहुत लोग आप बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चल रहे होंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, आज 2.5 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है। आज